इससे प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में जैसा कि सबको मालूम है कि सब जो है वो अपने अपने हैसियत के मुताबिक जो है वो गरीब गुरबा और इनके लिए जो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं बहुत सारे से इदारे जैसे दानी है जडी सी। इसी तरह हम यहाँ पर मौजूद हैं सोशल यूथ कराची के जो है जो फलाही छोटा सा इदारा है हमारे साथ सदर मौजूद है जावेद नदीम साहब, जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका इदारा है जो कि मस्जिद में भी खुला हुआ है, हम देख भी हैं थैलियाँ इधर पे पड़ी हैं और बहुत सारे गरीब गुरबा के लिए आपका जो सामान जाता भी है माल जाता है, इसके बारे में ज़रा डिटेल दें। आपकी बुनियाद तो रखी है, देखिए ये बेसिकली सोशल यूथ कराची की जो बुनियाद है तकरीबन पिछले 4-5 साल पहले हमने इसकी रखी थी और मकसद ये था कि जो सफ़ेद पोश फैमिली है उन तक अभी हमारा जो ये शहरी का इंतज़ाम होता है रमज़ान मुबारक के महीने में तो ये हम यहाँ बैठा के किसी को नहीं कराते और ना ही हम रोड पे कराते हैं, ये हमारा स्पूर्ती जो है ये पैक होगी घरों तक पहुँचता और बिल्कुल राजदारी के साथ किसी भी इज्जत नफ्स को हम अब्यूज नहीं करते हैं और ये जो पैक करके जो लड़के लेके जाते हैं ना वहाँ किसी की वीडियो बनती है ना किसी की तस्वीर ली जाती है, हम उनके घर तक ही पहुँचा देते हैं लेकिन हमारे पास उनके तमाम डेटा मौजूद होते हैं चाहे के एन आई नंबर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। देखिए रसाई की जहाँ तक चालू अभी हमारा पाकिस्तान के अंदर जैसे आपको के अंदर सैलाब का मामला और सैलाब से बहुत सारे आगे मुतासर हुए थे तो हमारी पूरी टीम जो थी वो यहाँ से दादू तक गई और दादू में लगभग 4-5 दिन तक वहाँ पर स्टे किया, वहाँ पर राशन में हो गया पके हुए खाने हो गए सब चीज़ें वहाँ पर कमेंट करते हैं। अच्छा रवि भाई, मुझे तहर दी हो रही है तकरीबन 1 बजे का टाइम, अभी भी आपके लड़के यहाँ पर कहाँ करते हैं कितने बजे तक ये करते रहते हैं, रमज़ान का महीना या रमज़ान में भी करते थे पहले भी बाद में पहले भी करते हैं? लेकिन शहरी का जो मामला थे वो रमज़ान के हवाले से है और ये हम तकरीबन शुरू करते हैं और हम खुद पकाते हैं तो कटाई के मामला हो गए सब्जी वगैरह काटना है या गोश्त काटना है और बहुत सारी चीज़ें मराइल है कम से कम 1-2 घंटा तो निकल जाता है, उसके अलावा भी पकने का जो मराइल है उसमें 2 घंटा तो मैक्सिमम 2-2.5 बजे हम तकरीबन फारिग करते हैं, उसके बाद लड़के जो यहाँ से निकलते हैं अपने अपने इलाके के हिसाब से जो हमने एरिया बांटा हुआ है जैसे सजाने का है तो उस सजाने की जो मुख्तलिफ घराने हैं जो हमारे पूरा देश में मौजूद हैं तो वो सजाने के उसके अलावा नॉर्थ कराची के इलाका है कुछ हमारे नागर सेट के कुछ फैमिली है तो उस तरफ भी जो है हमारा वॉलंटियर निकलता है तो अपने अपने एरियाज के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए घरों में पहुँचा कर वो अपने घर निकल जाता है और अपने लड़के को कराची के बाहर देखे जैसे हमारा एक मंजाल रोड पड़ता है ये मुबारक ब्रिज के साइड तो हमारा वहाँ पर भी अच्छा होता है रेडी रोड है यहाँ पे अपने मोहन के साइड पे तो वहाँ पर भी है कि हमारी टीम भी वहाँ पर जाती है जैसे अलग रनिंग आती है तो उस हवाले से हम मोटा मोटा को वहाँ याद करते हैं क्योंकि आपको पता है कि रोड पर लड़ो कि अगर 10 की जगह आप 1000 रुपये बैग बांटना होगा तो आप 10 से 15 मिनट लगेगा आपके 1000 रुपये बढ़ जाएंगे लेकिन मकसद हमारा ये कि हम सफ़ेद और पानी तक चीज़ों को प्रोवाइड करें। देखिए मांगने वाले तो बहुत सारे हैं, आप रोड पे खड़ा होकर अगर कोई भी चीज़ खड़ा होकर बांटने लगोगे तो आपको 10 मिनट में लगेगा वो निकल जाएगा। आप यकीन करें जब कोविड का मामला था तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो कोविड के वजह से तो ऐसी मेरे जहन में बात आई कि उस टाइम में आप समझिए क्या नाम है उसका मास्क, क्योंकि उस दौर में मास्क से 35 रुपये एक मास्क मिल रहा था 40 रुपये एक मास्क मिल रहा था और जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान के हर जगह का नेचर है कि कोई भी चीज़ की अगर जो नीड हो जाती ना तो वो कॉस्टली बढ़ जाती है, उसमें एक 10 रुपये की चीज़ है वो भी 35 के बीच हो जाती है, एक आम घर का लोग एक गरीब घराने का आदमी और उस वक्त मास्क जो है वो कंपल्सरी हो गया था तो हर घर में मिसाल किसी घर में 4 लोग रह रहे तो मास्क लगाने के लिए उसको 200 रुपये का तक मास्क लेना पड़ रहा है तो उस हवाले से हमने छोटी सी एक्टिविटी करी थी मास्क के हवाले से तो हमने कहा 250-300 मास्क ऐसी तबाक से लेके उनकी चौंगी पर बांटने लगे तो आप यकीन करो कि जो गाड़ियों में बैठ के लोग आ रहे थे वो भी हमसे मास्क मांग रहे थे, फिर हमने वहाँ पर ये इरादा बनाया कि नहीं इस तरह से हम रोड पर खड़ो की चीज़ों को नहीं बांटेंगे हम उन सही घर तक पहुँचाएंगे जो वाकई इसके हक़दार है। कराची में मुख्तलिफ इदारे जो है वो सोशल मीडिया के काम करते हैं लोगों की खिदमत अंजाम दे, अभी इनसे मुलाकात हुई या बड़े बड़े वो जेडी सी सिदानी चाहिए फाउंडेशन के लिए बिल्कुल ऐसे ही देखिए हमारी कोशिश तो होती है कि अच्छा मुलाकात करें लेकिन हमारे पास टाइम का जो मामला है वो शॉर्टेज होता है क्योंकि हम लड़के लड़के जो है सारे जॉब करने वाले हैं उसके बाद फैमिली भी है तो हम निकलते हैं कोशिश करते हैं कि कहीं दिन मुलाकात हो जाए और उनके साथ प्राइवेट के साथ हम काम करें
तो मैं देखने वाले तमाम में एनजीओज के साथ गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ ज्वाइन करें, अगर उनको वॉलेंटियर्स की ज़रूरत है आप हमारे वॉलेंटियर्स की खदमत भी हमसे ले सकते हैं। देखिए नजीम भाई ने बताया कि जो इदारे कराची में काम कर रहे हैं सोशल मीडिया सोशल वर्कर में काम कर रहे हैं, लोगों की खदमत अंजाम दे रहे हैं गरीबों की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया अगर चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते। अच्छा इसी इदारे के हमारे साथ और भी वर्कर यहाँ पर मौजूद है, अगर हम बात करेंगे उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? ईशान। आप ईशान भाई बताया अपने इदारे में माशाल्लाह। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को ईशान आबिद का पुरसर सलाम। जैसा कि नदीम भाई आपको बता चुके हैं सोशल कराची के प्लेटफॉर्म से शहरी का इंतजाम किया जाता है। अच्छा ये सोशल कराची सिर्फ रमज़ान को मुबारक के बाद बरसे महीने में अच्छी खड़ी रहती है, पूरे साल अलहमदिल्ला सोशल कराची की जानब से ये सिलसिला चल रहा होता है। आया वो फूड रिलीव हो, रेंट रिलीव हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, या यतीम और मिस्कीन बच्चियों की शादी, तो अलहमदिल्ला शुरू कराची के प्लेटफॉर्म से ये सब शोबे में काम हो रहा है। और इसी तरह कच्ची आबादियों में अलहमदिल्ला बोरिंग का इंतजाम भी करते हैं, बाकी आप बिजली करते हैं, जैसे ये फूड रैन के लिए गई है, सब अलहमदिल्ला अल्लाह के फजल करम से सोशल कराची के प्लेटफॉर्म से ये हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे अस्पताल में हम लोग कर रहे हैं। बात तो मुझे काफ़ी देखिए काफ़ी अच्छी बात है। आप क्या चाहते हैं आपका इदारा कितना तभी वसी हो जैसे कि पूरी इदारे जो कर रहे हैं उसके बारे में इस तरह होना चाहिए। देखें वो मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि मेरे साथ में देखें मैं क्या चाहता हूँ। मैं जो लिखना चाहता हूँ कि सोशल कराची जो है ना ये सोशल पाकिस्तान बने। अच्छा ये पाकिस्तान जब बनेगी जब आप सबका ताउन हमारे साथ दरकार होगा, ताउन आपका इस तरह होगा आप हमें वॉलेंटियर की मदद भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें दीगर मामला में भी हमारे साथ हिस्सा मिला सकते हैं। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ने बेतहाशा दिया हुआ है लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म में सही दिशा में जाएं, तो उनके लिए सोशल कराची की पूरी टीम उनको तहे दिल से वेलकम करेगी। जो भी हमारे साथ ताउन करना चाहता है आया वो वॉलंटियर की मदद हो या दूसरे मामला की मदद हो वो ताउन करे, आपका ताउन होगा इंशाल्लाह। अभी ये सोशल कराची है ये पाकिस्तान भी होगा इंशाल्लाह। विशाल भाई थोड़ा सा सवाल होगा, सवाल ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि महंगाई दिन में कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़े खुदकुशियाँ करने में किसी भी हमने वीडियो की खुदकुशियाँ करते हैं। देखिए जैसे माशाल्लाह आप जैसे इदारे मदद करने में सबसे आगे हैं, बहुत सारे इदारे हैं, तो ये इदारे तो फिर भी काम कर रहे, लोग फिर भी लोगों को शिकायत क्यों मिली? थोड़ा सबसे बड़ा यार देखें सबसे बड़ी बात है कि हमारी आवाम जो है ना आवाम वही है कि जिसको जिसके पीछे लगा देना ना वो उसके पीछे लगती है। अब आप एक मिसाल के तौर पर देखें, मैं एक जगह का नाम नहीं लूँगा, दो से तीन दिन पहले वहाँ पे आटे की तकसीम हुई, बहुत अच्छे से सब जानते होंगे मैं कहाँ का जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा एक इदारा क्या होता है, एक इदारा वो होता है जैसे कि मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, एक इदारा वो होता है जो पहले डेटा कलेक्ट करता है, उसके वॉलेंटियर उस डेटे के मुताबिक जाते हैं घरों में, उसकी तस्दीक करते हैं कफालत के मामला क्या है, उसकी महंगाई के आलम से उसके किचन के मामला क्या है, फिर उनको जाके वो प्रोवाइड करते हैं। और एक अमल ये होता है कि रोड पर कतार लगाई और चलो जी आओ लेके चले आओ। अब उसमें क्या होता है 50 अफराद ज्वाइंट हुए, 50 अफराद एक जान भी नहीं है, मैं हूँ आप हुए आप जान दोनों एक जान भी नहीं है, उसमें 10 मुश्किल भी होती है, उसमें 10 मामला भी होते हैं। अब जैसे कि परसों आटे की तकसीम में जो भी बंदे गए थे सर मेरे कमल पेश, मैंने सुना है कि 20 मैयत से आई है। अच्छा वो 20 मैयत नहीं थी, वो 20 घराने थे। अगर आप इस चीज़ को हमारे अलिया क्या होता है यार 20 बच्चों के लिए आटे देखे जाए, 20 मैयत नहीं थी भाई वो 20 घराने थे। आप इस चीज़ को ज़रा गौर व फिक्र करिएगा कि वो 20 घराने थे। अब जिसके पास 150 रुपये नहीं थे आटे के लिए वो बेचारा कफन दफन के कैसे इंतजाम करे, महंगाई का अलमिया ये है। तो देखने वाले हजरात से यही गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह हर इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कोई बुरा कर रहा है, लेकिन एक ट्रैक कर लें उन घर वालों के लॉयकिन को ये नहीं पता था कि जो आटे का थैला लेने निकला वो बेचारा कफन में आया, ये आलमिया है। इस वजह से महंगाई को हम लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे, और फिर माशाल्लाह से हमारे जो इदारे हैं सब आपके सामने ही हैं, कहीं सेकेंड बैलेंस नहीं है कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात की है, बड़ी बिल्कुल बात की है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मजीद आपके इदारे को कामयाबी दे, उसी तरह बना के दूसरे इदारे काम पे आए, और ये भी दुआ है कि इंशाल्लाह आपके इदारे की तरफ से उसकी मदद से है गरीबों की मजीद जो है हेल्प हो, जिस तरह अभी हमारे देख रहे हैं। तो आपको छोटा सा इदारा दिखाया, काम भी बताया, और ओनर से भी बात कराई, वर्कर से भी बात कराई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें, इसके साथ ही आप हिंदुस्तान में जरूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा किसी अच्छे इदारे से मिलेंगे, आपका मेहरबान।